हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एकदम मल्टी कलर का डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, जिसे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने बनाने के लिए कई सारे कलर का इस्तेमाल किया है, आप अपने हिसाब से कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक क्रोशिया मैंने 3 mm का लिया हुआ है। सबसे पहले मैं सफ़ेद से एक सर्किल बनाऊँगी बेस के लिए। यहाँ से इस तरह से लें धागा और इसे घुमा लें। फिर यहाँ से 1, 2, 3 चेन बुनेंगे, फंदा लेंगे यहाँ से और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। पहले 2 से निकाल लेंगे, फिर 2 से, फिर लेंगे फंदा, फिर 2 से, फिर 2 से। इस तरह से मैं 16 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, यानी इस चेन को लेके 16 होने चाहिए हमारे। तो इतना मैं बना के फिर आगे का डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी। तो 16 मेरे हो गए और मैंने इस धागे खींच लिया। यहाँ जो फर्स्ट चेन दिख रहा, उस चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। यहाँ से स्लिप स्टिच मैंने कर दिया। इसको हम टाइट खींच कर और इसे सुई धागे से बांध देंगे, या मैं क्रोशिया से भी बांध दूँगी। फिर यहाँ से 1, 2, 3 ऊपर जाएंगे। स्लिप स्टिच जिसमें किया उसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 और 2 सेम जगह। फिर इसमें 2, 1 और 2। इसी तरह जितने चेन हैं सभी में 2-2 बनाएंगे और लास्ट में यहाँ आके हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तब ये चेन भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से बन गया सर्कल, या मैंने इसके जगह में बनाया है। और फिर यहाँ 1-2 ये छोड़ के तीसरे वाले चेन में स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से। तो ये 2 राउंड बन गया। अभी हमारे टोटल 32 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर मैं यहाँ से इसे आपको गांठ लगाना दिखा रही हूँ। आप कहीं से भी इसे ले लें इस तरह से, और यहाँ से निकालें और यहाँ से इस तरह से खींच दें। ये नॉट लग गई और ये खुलेगा नहीं। आप चाहें तो सुई धागे का ही इस्तेमाल करके इसे सिलाई कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट राउंड बनाऊंगी। यहाँ 1, 2, 3 फिर सेम जिसमें स्लिप स्टिच किए हैं उसी में सेम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 और 2 2 हुआ। फिर नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे, 1। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 2। फिर नेक्स्ट में 1। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ से इतना, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ 2 है, यहाँ 1। इसके ऊपर तीसरे चेन में हम यहाँ फर्स्ट वाले में जो ऊपर दिख रहा है इसमें जोड़ेंगे। अगर आपको ये बेस कड़ा चाहिए तो आप सेम प्रोसेस से सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे, तो उससे इसका जो नीचे का भाग है वो थोड़ा सा सख्त होगा। फिर यहाँ से हम 3 लेंगे, 1, 2, 3 सेम जगह में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 हुआ और 2 2 हुआ। अब मैं यहाँ 1 बना रही हूँ सिंगल, फिर दूसरे में भी सिंगल इस तरह से, फिर नेक्स्ट में 2, 1, 2 इस तरह से बनाएंगे। इसमें 1 था, इसमें 1, 2 ऊपर की लाइन में 2, 3 होंगे, 1, 2, 3 फिर 4। इस तरीके से जितना बड़ा आपको हो जाएगा बना लें। इस लाइन के बाद मैं अपना डिज़ाइन दिखाऊंगी कि आगे मुझे कितने फंदे लेने हैं, जिससे कि मेरा आगे जो डिज़ाइन में डालूंगी कलरफुल में, तो
तो उसमें कितने फंदे मुझे चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे पांच पांच का मल्टीपल चाहिए होगा। तो उस तरीके से मैं नेक्स्ट राउंड में बताऊंगी किस तरह से करना। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। तो उनकी फ्रेंड्स आगे का वीडियो मैं आगे बताऊंगी। तो ये मेरे इसमें 64 फंदे हो गए, 64 डबल क्रोशिया इसमें हुए। तो इस बार मैं स्लिप स्टिच करूंगी, 64 डबल क्रोशिया हुए हैं इसमें। इसमें 12 का, शायद 16 का मैंने लिया है इस तरह से, 16, 32, 47 एंड 64। इसके बाद मैं यहाँ से 1, 2, 3 चेन लूँगी और यहाँ से सेम में एक बनाऊँगी, इसमें भी एक बनाऊँगी और एक डबल क्रोशिया पूरे राउंड में हमें एक और लेना है, ताकि हमारा ये 65 हो जाए। इसमें 64 था तो एक राउंड में बनाऊँगी, इसमें 65 करूँगी, सिर्फ एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा लूँगी। यही मैं ले रही हूँ, एक हो गया, दूसरे में एक और बस। तो उसके बाद सिंगल सिंगल करके पूरा लाइन हम बना लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा ये बेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा भी, और हमें क्रोशिया ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे का डिज़ाइन जो है वो मेरा 65 में बनेगा। तो एक राउंड मैं सिंगल सिंगल करके बनाऊंगी, ताकि आगे का डिज़ाइन मैं बनाऊँ इसके ऊपर। तो यहाँ इस लाइन में मैंने 65 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर तो यहाँ फर्स्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे, उसके बाद मैं यहाँ से सफ़ेद धागा भी नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी। नेक्स्ट धागा मैं इस कलर का लगा रही हूँ, पहले यहाँ इस टाइप से लूप बना लें और सेम जगह से यहाँ से स्टार्ट करते। आप चाहें तो सफ़ेद धागा कट कर सकते हैं, और नहीं कट करना है तो साथ में रख भी सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ लगा ले रही हूँ और सफ़ेद को नीचे रखूँगी और इनके साथ बुनूँगी इस तरह से पकड़ लें। फिर यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ से बुन रही हूँ मैं, और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2 डबल क्रोशिया हुआ। उसके बाद में फिर नेक्स्ट में सफ़ेद धागे को मैं यही छोड़ दूंगी और इसको साथ में रखूंगी। फिर यहाँ से डबल क्रोशिया, यहाँ मैं डबल क्रोशिया बनाऊँ, 4 मैंने बनाया है, 1 मैं यहाँ डिज़ाइन डालूँगी तो 5 का डिस्टेंस रखूँगी, अभी मैं 4 रखी हूँ, 1 यहाँ से लूँगी। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर यहाँ फंदे बनाऊँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फिर हम इसके ऊपर यहाँ बुनेंगे, इस तरह से उतार देंगे। फिर यहाँ से फंदे लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा चौथे के ऊपर हो गया, लेकिन हम यहाँ से एक लेंगे तो 5 का डिस्टेंस रखेंगे। फिर यहाँ से 1 हो गया, दो, तीन, चार, 5। यहाँ से फिर से मैं बनाऊंगी पांचवे पे, 1, 2, 3, 4, 5,
छः सात आठ नौ एंड दस, ये हमारा पांचवा है। एक दो तीन चार पाँच, फिर हम इसमें आएंगे, इसके ऊपर यहाँ से निकालेंगे और यहाँ इस तरह से निकालें, फिर ये हमारा रेडी हो गया। फिर मैं इधर बुनूँगी, एक दो तीन चार एंड पाँच, तो इसी तरह ये सारा बनेगा। और आप अपने धागे के हिसाब से क्रोशिया ले सकते हैं, पतला धागा है तो पतला क्रोशिया, मोटा धागा है तो मोटा क्रोशिया। यहाँ फिर मैं इसे बना दूँगी इस तरह से, ये पूरा राउंड बना लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आगे का डिज़ाइन फ्रेंड्स मैं आगे बताऊंगी, और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, प्लीज़ आप नया नया बनाने के लिए मेरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन इस तरह से घूमेगी ऊपर को। तो यहाँ तक मैंने बनाया है, इस पर मैंने डिज़ाइन बनाया है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गया। और फिर यहाँ मैंने एक दो तीन चार चौथे पे बनाया था, तो यहाँ अब मैं इस पे बना लूँगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। इस पर बनाऊँगी और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बना के स्लिप स्टिच कर दूंगी। इसके ऊपर हम यहाँ जाके स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये हमारा इस तरह से। इसके बीच का भी एक दो तीन चार पाँच, पाँचवें पे है, तो ये हो गया। फिर यहाँ से हम एक दो लेंगे और इस तरह से उल्टी साइड से बुनेंगे, यहाँ से उल्टी साइड से बुनेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया, इसमें भी सिंगल क्रोशिया, हर एक में बुनना है, इसमें भी बुनना है। इसमें हम इसको पीछे की साइड कर देंगे, सीधी साइड, ये हमारा उल्टा है, इसको हम पीछे कर देंगे। इस वाले में भी हम बुन लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर इसमें भी सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, इसमें भी सिंगल क्रोशिया, और इस वाले पे डिज़ाइन है हमारा। तो फिर हम इसे पीछे करेंगे इस साइड से, और इसके ऊपर भी हम सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे, यानी कि जितना हमारा है सबके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बुनते हुए जाना है। एक दो तीन चार और ये पाँच, इसको पीछे करके इस तरह से पूरा राउंड बना लेंगे। तो सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया, इस पर मैंने बना लिया। और इस पर मैंने दो चेन लिया था, तो इसी दो चेन में फर्स्ट छोड़ के दूसरे में स्लिप स्टिच कर दूंगी। एक चेन बना के मैं यहाँ धागा कट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ से मैं नया धागा लगाऊंगी। तो इस तरह से निकाल दिया मैंने, यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अब मैं सीधी साइड से बुनूंगी और सफ़ेद मैं यहीं रहने दे रही हूँ, यहीं से फिर से वापस उठा लूँगी। तो मैं यहाँ आ गई सीधी साइड में, अब मैं यहाँ से नया धागा लगाऊंगी इस तरह से लें और इस तरह से लगाएं। तो यहाँ मेरे कितने हैं बीच में, एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ मैं वापस से एक दो
और ये तीसरा, इसमें से मैं लगा रही हूँ वापस से धागा। यहाँ एक दो तीन चेन बना रही हूँ, फिर नेक्स्ट में बुन रही हूँ। एक हुआ, दो चेन को लेके तीन, अब ये हमारा होगा इसके बीचों बीच में जाना चाहिए। इसमें हम बुनेंगे चौथे में, सेम इसके ऊपर होना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और सेम जगह में बुनेंगे इस जगह से। फिर यहाँ से बगल में डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, और इसके ऊपर बनाएंगे पांच, सेम इसके ऊपर ही होना चाहिए। ये हो गया, देखिए एक दूसरे के ऊपर। इसके ऊपर सेम, फिर यहाँ मैं बनूंगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस हो गया, और यहाँ इसमें डालूंगी। फिर इसी तरह से मैं पूरा ये लाइन भी कंप्लीट करूंगी, पूरा इस तरह का सीधी साइड से, बाद में इसका सिंगल क्रोशिया उल्टी साइड से बनाऊंगी। तो यहाँ ये पूरा हो गया इधर, और यहाँ हमने चौथे में बनाया एक दो तीन चार, और एक ही एक्स्ट्रा पांच। यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे अच्छे से, उसके बाद फिर से यहाँ एक दो चेन और घूम जाएंगे। सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इसको पीछे करेंगे, और इसके बाद हाँ इसको इसमें हमने बना दिया, इसके ऊपर हमें बनाना है, यहाँ जितने हैं उसके ऊपर ही बनाना है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। जितने डबल क्रोशिया हैं सेम सभी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये थोड़ा डार्क कलर है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। इस पर मैंने बनाया, यहाँ हो गया, अब इसके ऊपर बनाऊंगी इस जगह से, इसे पीछे कर दूंगी, और उसके बाद हम इसमें बनाएंगे। फिर यहाँ इसमें 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 पांच होने चाहिए, जैसे पांच डबल क्रोशिया हैं तो पांच, तो इसी तरह से एक फुल राउंड उल्टी साइड से बना लेंगे, उसके बाद सीधी साइड से मैं सफ़ेद लगाऊंगी। तो सेम तरीके से जैसे मैंने ये दो राउंड बुना है, इसी तरीके से एक सफ़ेद लगाऊंगी, फिर उसके बाद दो कलर लगाऊंगी, फिर उसके बाद सफ़ेद लगाऊंगी, फिर दो कलर लगाऊंगी, इसी तरह से मैं बनाऊंगी
तो आगे पूरा बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ जितना बड़ा मुझे चाहिए, आगे का डिज़ाइन मैं आगे दिखाऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आगे का डिज़ाइन मैं आगे बताऊँ। तो यहाँ मैंने इतना बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डिज़ाइन मैंने बनाया है और ये मेरा बेस है। अब मैं इसको बनाऊंगी नहीं आगे अभी, क्योंकि इसके बाद मैं नेक बनाऊंगी। तो इसको इस तरह से करना है, यहाँ मैंने 2 बना लिया है इस तरह से। तो यहाँ इस तरह से करना है, पहले फर्स्ट करें इसके अंदर से ले लें, फिर इसके अंदर से ले लें, इसको इसके अंदर से ले लें, यहाँ से इस तरह से कर लें। और सभी को जब बना लेंगे तो ऊपर में हम बुन के इसे बांध देंगे। तो इस तरह से ये चोटी के जैसे बन जाएगा। ये मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे मैं बताती हूँ किस तरह से इसे हमें बांधना है। तो इस तरह मैंने ये रेडी कर दिया बना के। उसके बाद मैं एक बार अब डबल क्रोशिया का एक लाइन फुल बनाऊंगी। यहाँ हम यहाँ से जोड़ लेंगे जो इसके बीच से किनारे है, यहाँ से धागा लेंगे एक दो तीन, फिर हर एक चेन में हमें यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके नीचे भी बनाना है डबल क्रोशिया, इसको हम नेक्स्ट में बांधेंगे। इस बार इस तरह से छोड़ देंगे, फिर यहाँ बगल में भी बनाएंगे। हर एक में एक फुल लाइन हम डबल क्रोशिया इसी तरह से ले जाएंगे, पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद का डिज़ाइन मैं आगे दिखाऊंगी। तो पूरा लाइन कंप्लीट हुआ डबल क्रोशिया का। यहाँ एक मैं बना लेती हूँ वापस से और इसे स्लिप स्टिच कर देती हूँ यहाँ से। उसके बाद से हम यहाँ से एक दो सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने, फिर से सिंगल क्रोशिया, तीन चार एंड पाँचवें में बनाऊंगी। तो यहाँ इसको साथ में ले लेंगे इस तरह से और इसके साथ हम बुन लेंगे। लेकिन यहाँ एक खुल गया है, इसे हम छोड़ देंगे पहले। पहले हम इसको बुना लेते हैं इस तरह से, इसके अंदर डालें, फिर इसके अंदर, और अब हमारा ये राइट हुआ। तो हम यहाँ लेंगे इसे और इसके साथ में करके यहाँ से बुन लेंगे इस तरह से। फिर हम आगे जाएंगे बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ हाफ डबल क्रोशिया भी बुन सकते हैं। एक दो तीन चार, पांचवें में फिर से हम बनाएंगे। हम एक खुल गया है, फिर इसके अंदर से डालेंगे और हम यहाँ पांचवें में वापस से बनाएंगे। इसको लेंगे और इसके साथ नेक्स्ट चेन में इसमें हम यहाँ से बुन लेंगे। तो ये हमारा जो लाइन है यहाँ कंप्लीट हो रहा इस पर। तो इसके आगे मैं इसका नेक बनाऊंगी। तो ये लाइन इस तरह से कंप्लीट कर लें फिर नेक में। प्लीज़ फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
तो यहाँ लास्ट तक मैं आ गई बुनते हुए। तो यहाँ जो हमारा छूटा था यहाँ मैं इसे बुन लूँगी इस तरह से। और ये लास्ट का यहाँ हम इसे लेंगे और इसमें बुन लेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। जो हमने चेन बनाया था उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा रेडी हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से तीन चेन बनाऊंगी, 1 2 3। उसके बाद मैं यहाँ से हर एक में सिर्फ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, क्योंकि हमारा नेक का डिज़ाइन है। यहाँ मैं डोरी डालूंगी इसमें, इस तरह से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना ले पहले, फिर ऊपर का डिज़ाइन बनाऊंगी। यहाँ से इसमें मैं डोरी डालूंगी, इस तरह से ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बना ले। तो यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से, फिर यहाँ से 1 2 3 सेम जगह में तो फिर हम एक छोड़ देंगे, दूसरे में 3 बनाएंगे, 2 3 फिर एक छोड़ देंगे, फिर इसमें 3 बनाएंगे, 3 बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और इसमें हम डोरी डाल देंगे इस वाले में। यहाँ हम 3 3 बनाएंगे तो हल्का सा एक फ्लो ऐसे चला आएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना ब्यूटीफुल सा बना है। इसके बाद इसमें डोरी डालेंगे, डोरी के बाद मोती या टैसल्स कुछ भी लगाएं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।